दोस्तों कैसे हो आप? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। सबको सुबह की जय श्री राम और प्यारी से गुड मॉर्निंग। और दोस्तों अभी तक गाड़ी का कोई पता नहीं चल रहा है कि मतलब कब अपना गाड़ी का काम होगा। अकेला ही खड़ा है, पता नहीं कब होगा दोस्तों। चलो दोस्तों गाड़ी के अंदर चलते हैं। दोस्तों ये देखो ऊपर से पूरी गाड़ी हमारी कितनी गंदी हो गई। अपनी गाड़ी ये सारी सीटें निकलवा दी है दोस्तों काम करने के लिए, मतलब गाड़ी का काम होने जाएगा ना अभी। ये टाटा मोटर्स में सब टूट गया है। और दोस्तों कल कपिल से अपनी लड़ाई होगी रात को। वो यार दोस्तों बार बार बोल रहा था कि मुझे घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। मतलब उसको घर जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। मैंने कहा भाई तू घर चले जा। मैंने फिर उसे बोला भी दोस्तों कि भाई सुबह चले जाइयो। उसको बोला, वो बोला कि भाई मेरे को रात को ही जाना है। मैं ठीक है भाई तू चले जा और क्या। मतलब यार दोस्तों गाड़ी से हमें कब घर जाना चाहिए? जब तक हमारी गाड़ी काम होने नहीं जाती, मतलब काम होने चली जाएगी उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे। ये अपनी गाड़ी का काम हो जाएगा उसके बाद फ्री हो जाएंगे, उसके बाद चाहे तुम घर जाओ चाहे कुछ भी करो। मतलब अभी तो गाड़ी में दोस्तों देखो ना, अभी तो गाड़ी की बेचारी आई है मुजफ्फरनगर में और इतना नुकसान करके आई है। मतलब तो अभी एकदम नहीं जाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं वो चले गया। फिर मैंने उसे बोल दिया दोस्तों अब दोबारा मत आइयो। क्या मैंने ठीक बोला बता देना दोस्तों। मैंने उसे बोला यार बुरे वक्त में अगर हमारा साथ अगर वो ही नहीं देगा, मतलब जिस बंदे को हम गाड़ी सिखा रहे हैं, अब गाड़ी सिखाते हैं बाई चांस उसको रात को दे देता मैं गाड़ी सिखा के, उससे हो जाता फिर क्या करता वो। फिर बात गलत है दोस्तों, साफ बात है भाई कि भाई जब गाड़ी का बुरा वक्त है तो उसके साथ रहना चाहिए था। अभी जब तक गाड़ी काम होने नहीं जाती, वो पहले निकल गया, अब वो पहले ही निकल गया भाई, क्या कर सकते हैं। अब मैं तो बोल दिया दोस्तों अब मत आइयो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। और भी मेरे को ड्राइवर मिल जाएंगे, सेकंड ड्राइवर रखूँगा दोस्तों मैं, कंडक्टर नहीं रखूँगा। वो तो उसने लगा कि भाई उसे कुछ ड्राइवर बनना है तो मैंने रख लिया। अब एक साल हो गए थे उसे, एक साल मतलब उसे हो गए थे दोस्तों 8-9 महीने हो गए थे, गाड़ी भी काफ़ी चलाने लग गया था, काफ़ी गाड़ी चलाने लग गया था, पर वो चले गया। देखेंगे आएगा कि नहीं आएगा, पर मेरे को तो मैंने मना कर दिया भाई, मेरे को चाहिए ही नहीं, उसकी ज़रूरत ही नहीं है मुझे। मैं पहले भी अकेला ही था गाड़ी पे, आगे भी अकेला ही रहूँगा। 9 साल हो गए दोस्तों मुझे तो हो गया है, अगर आएगा तो देखेंगे। तो थोड़ा तो दोस्तों रहेगा कि भाई उसके गाड़ी ने काम करवाना था, उसका काम है गाड़ी का काम करवाना, गाड़ी का काम करवाना चाहिए था, उसके बाद चाहे कहीं भी जाता मुझे कुछ लेना देना नहीं था। पर ऐसे बुरे टाइम में भयंकर छोड़ के जाओगे तो कैसा फील होगा, खुद ही सोचने वाली बात है। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, उस बात को छोड़ते हैं। और अभी आ गया है दोस्तों मुजफ्फरनगर पार्किंग में, यही हमारी पार्किंग में गाड़ी लगी हुई है, SM पार्किंग। दिखाता हूँ मैं आपको पार्किंग में कितने सारे घोड़े, ये सारी एक्सीडेंटल गाड़ी खड़ी है और सारी घोड़े घोड़े खड़े हैं। तो दोस्तों तो मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। हाँ जाओ ये देखो, ये देखो दोस्तों ये वाली जो गाड़ी है ना ARC, जो ये जो गाड़ी है ये देख रहे हो, दिखाता हूँ मैं आपको इसका। मतलब ये देखो बोर्ड इसका ARC बोर्ड। मतलब दोस्तों जिनकी गाड़ी मैं पहले चलाता था उनकी दो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है अभी, मतलब उनका भी नुकसान हुआ है और हमारा तो हुआ ही हुआ है, बहुत सारा नुकसान हुआ है। उनकी गाड़ी भी एक्सीडेंट हो गई है, दो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, हमारी तो ये देखो शोकर वोकर सब टूट गए, ये देखो सब मुड़ गया। ये ट्राली दिखाता हूँ दोस्तों, पीछे से दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो पीछे से भी पूरी मुड़ गया। अभी दोस्तों क्लेम भी फाइनल नहीं हुआ है, क्लेम फाइनल होगा उसके बाद गाड़ी जाएगी एजेंसी टाटा मोटर्स में। और अभी दोस्तों ये भी बता रहे हैं, देखो ये जो आपको डब्बा देख रहे हो ना दोस्तों, ये जो डब्बा देख रहे हो हमारा, ये पूरा बैंड हो गया ना। तो अभी कंपनी पता क्या बोल रही है कि मतलब इसके 70% चांस है कि ये हमको नया मिले, पर हमारे मालिक बोल रहे कि हमें नया ही चाहिए, ये चाहे कुछ भी हो जाए हम नया ही लेंगे, क्योंकि हमारी गाड़ी नई है, 5 महीने की गाड़ी है दोस्तों हमारी, 5 महीने की गाड़ी है। तो फिर अभी गाड़ी में आ गया फिर से, 5 महीने की गाड़ी है भाई, हमें तो दोस्तों नया ही लेंगे। हम तो अभी बहुत सारा काम भी होने वाला है हमारी गाड़ी का, वो मैं आपको कल बताऊंगा कि मेरी गाड़ी का क्या क्या काम होने वाला है। ठीक है दोस्तों कल वाले ब्लॉग में बता दूंगा मैं आपको कि मेरी गाड़ी का स्टार्टअप कहाँ से है और एंड कहाँ होगा, कितना सारा काम है, वो सब मैं आपको कल वाले ब्लॉग में बताऊँगा।
और अभी तो फिलहाल मैं दोस्तों देखो एक बात और है कि भाई कपिल को तो जाना चाहिए था। खुद ही सोचने वाली बात है कि भाई वो घर घर तो तब जाना चाहिए था कि भाई जैसे जिस दिन मैं आया दोस्तों यहाँ मुजफ्फरनगर सुबह 6 बजे आ गया था मैं, उस दिन ही उसने मेरे को बोलने लग गया भाई मुझे घर जाना है, मेरे को घर बनवाना है। उसका घर बन रहा है ना दोस्तों, गवर्नमेंट का थ्रू बन रहा है उसका घर, तो उस कारण उसको जाना पड़ा। तो मतलब 4 3 4 5 6 दिन तो रुक के जाता, मतलब जब तक हमारी गाड़ी ट्रॉली अपने ट्रॉली वाली जगह पे ना चल जाती और हमारी गाड़ी एजेंसी में चल जाती तब जाके उसको जाना चाहिए था। जिम्मेदारी भी होनी चाहिए कुछ की, मतलब इतना बड़ा नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। मतलब भरपाई तो देखो जेब से पैसे तो देने से रहे, हमारे पे है भी नहीं उतने, मतलब तब भी साथ में तो खड़ा रहना चाहिए था कि बराबर की। हाँ भाई चल, मालिक भी बोलते हैं कि भाई बराबर में खड़े हैं, खड़े के हुआ है नुकसान कोई बात नहीं पर बराबर में खड़े हैं तब भी फील होता है। अभी एकदम गाड़ी छोड़ के चले जाओ ये कोई बैठा के अपना, गलत बात है। कल के दिन कोई बाई चांस वो चलाने भी लग गया गाड़ी, मार्केट में गाड़ी भी उसे अकेले मिल गई, उसके साथ हो जाए फिर किस्सा ऐसा। मैं उसको बुरा नहीं बोल रहा हूँ कि दोस्तों वो बुरा है, पर है तो लड़का बढ़िया। पर अब देखते हैं आएगा वो गाड़ी पे आएगा देखो, पर उसको डांट तो पड़ेगी भाई, बढ़िया वाली डांट पड़ेगी। अब आप बताना कि कैसे कैसे करना चाहिए उसके साथ, मतलब उसको फील होना चाहिए मतलब दोस्तों कि यार हमारी गाड़ी नई थी ठुकी है। ठीक है दोस्तों, फिर आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सबको जय श्री राम और प्यारी सी गुड मॉर्निंग, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। और मैं बताऊंगा दोस्तों कल आपको कि क्या क्या हमारा काम होने वाला है, और आज भी अगर कुछ काम होएगा तो वो भी मैं बता दूंगा। अभी तो खैर क्लेम ही पास नहीं हुआ है हमारा, जब क्लेम पास होगा तो मैं बता दूंगा।